माय यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और दोस्तों जो भी नए हैं वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उसका तहे दिल से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ब्लॉग में, देसी वर्क ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम आपको घर पर बताएंगे कि हमारा मकान एकदम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत अभी कलर वगैरह रहा है, थोड़ा बहुत बस उसको आज कंप्लीट कर देंगे, आपको पूरा बताएंगे हम। वीडियो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है लगभग, थोड़ा बहुत काम और बाकी है उसका, कलर वगैरह पुताई करना है बस, उसके बाद में कंप्लीट हो गया हमारा, आपको वीडियो में बताएंगे। और आज पूरा घर का वीडियो भी बताएंगे आपको, ब्लॉग में देखना पूरा एंड तक और स्किप ना करें हमारे वीडियो को पूरा। और दोस्तों प्लीज़ यार हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और अभी हम इधर खेत तरफ आए हैं, ये देखिए सोयाबीन पीछे बारिश के कारण बहुत ही काफ़ी छोटे रह गए, ये देखिए पीछे एकदम छोटे हैं, क्या पता हार्वेस्टर से कटे या ना कटे, छोटे रह चुके हैं। ये देखिए पीछे छोटे छोटे हैं, यहाँ तक कि ये पत्थर भी दिख रहे हैं। पिछले साल तो काफ़ी हाइट थी स्वयं की और काफ़ी अच्छे भी हुए, लेकिन इस बार किसान का लगता है कि खाद बीज के भी पैसे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, इस वजह से स्वयं की काफ़ी आयु कम हो चुकी है, छोटे रह गए। और अब बारिश थोड़ी बहुत कम हुई है, देखिए धूप निकल रही है अब तो दो चार दिन से, काफ़ी तेज़ धूप, काफ़ी भयंकर गर्मी और ये टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, क्या पता क्या हो रहा है, बहुत ही गर्मी लगती है दोस्तों। अभी भी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है फिर भी गर्मी एकदम, आप मेरे चेहरे से देखिए दोस्तों। सो बहुत ही गर्मी हो रही है दोस्तों, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है। और पर एक बात ये भी है कि रास्ते भी एकदम सूखे आ चुके हैं, बारिश ही बारिश ने एकदम पूरा खेत को ख़राब कर दिया है फसल को। अब धूप निकलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फसल जो ख़राब होनी थी वो तो हो गई है, बारिश हो या ना हो। तो दोस्तों बस हमारा आज का व्लॉग यही था, हम कल बताएंगे आपको वीडियो में पूरा घर का वीडियो, एंड तक देखना कल, तो मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए बाय बाय।